हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं कर्मवीर आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, हमने सीएसआईआर नेट के लिए लेक्चर सीरीज शुरू की है, जिसमें हम 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। तो डियर फ्रेंड्स, मैं 7वां लेक्चर लेकर हाजिर हूं। हम आर्ग्यूमेंट पढ़ रहे थे, 6 लेक्चर में हमने आर्ग्यूमेंट को पढ़ा था। आर्ग्यूमेंट को कंटिन्यू करते हुए मैं इस लेक्चर को शुरू करता हूं। डियर फ्रेंड्स, देखिएगा, मैंने आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन लिखी है। आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, टाइटल ये है, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। डियर फ्रेंड्स, देखिए क्या लिखा हुआ है। लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आईटा बी, ये फॉर्म भी हमने बनाई थी प्रीवियस लेक्चर्स में। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने ये फॉर्म बनाई थी। जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा, ये फॉर्म भी हमने रिप्रेजेंट करके दिखाया। डियर फ्रेंड्स, और जेड इज इक्वल टू आर इक्की आईटा थीटा, और ये हमने डिनोट किया ये पी ए बी, बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देन द एंगल थीटा, देन द एंगल थीटा, इस एंगल की बात कर रहे हैं। देन द एंगल थीटा विच ओपी मेक्स, विच ओपी मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव नंबर यहां लाए करेंगे या यहां लाए करेंगे, ठीक है जी। क्या लिखा है, विच ओपी मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, इन द एंटी क्लॉक वाइज, कई इसको काउंटर क्लॉक वाइज बोल देते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो ये वर्ड्स का हेर फेर और कुछ नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज बात एक ही होती है, ठीक है भाई, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लॉक तो ऐसी मूव करती है, क्लॉक का मूवमेंट इस प्रकार से होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से, मतलब कि ये आपकी जो डायरेक्शन होती है क्लॉक की होती है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है डियर फ्रेंड्स, ये होती है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है जी, ओपी जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, ठीक है जी, ये बात बताई गई है, ठीक है भाई, एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट फॉर और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। क्या होता है डियर फ्रेंड्स, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस आईटा भी बोल दो, या आर कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा बोल दो, या फिर जेड इज इक्वल टू आर ई के आर थीटा बोल दो, पी ए भी बोल दो, कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन एंगल, मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि भाई आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट इज एन एंगल, आर्ग्यूमेंट एक एंगल है, तो इसमें लिखा है देन द एंगल थीटा, देन द एंगल थीटा विच ओपी मेक्स, जो ओपी बनाता है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस का, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। इट इज डिनोटेड बाई ए आर जी जेड, आर्ग्यूमेंट जेड बोल देंगे, या फिर क्या बोल देंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोल देंगे, ठीक है जी। हमने आपको एक बात बताई थी, इसको ए आर जी जेड को, ए आर जी जेड आर्ग्यूमेंट जेड, इसको बोलेंगे हम जनरल आर्ग्यूमेंट, जनरल आर्ग्यूमेंट, जनरल आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैंने पिछले लेक्चर में बताया आर्ग्यूमेंट इज नॉट यूनिक, क्या बताया था, आर्ग्यूमेंट इज नॉट यूनिक, आर्ग्यूमेंट इज नॉट यूनिक, ठीक है भाई। कारण भी मैंने बताया था क्यों यूनिक नहीं होता है, ठीक है जी। आपको मैंने बताया था, आप जैसे इसी ओपी तक पहुंचना चाहते हैं तो एक तो थीटा हो गया, ठीक है जी, एक बंदा ऐसा करेगा कि इसको क्रॉस करके निकल जाएगा, अब यहां पहुंच गया है, ठीक है जी। एक बंदा फिर क्या करेगा, फिर यहां से फिर चलेगा, ठीक है जी, फिर यहां से फिर चलेगा, मतलब कि यहां से फिर चलना शुरू कर देगा, ठीक है जी, पूरा पूरा कंप्लीट रोटेशन करके फिर यहां पहुंच जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका यहां से जो आर्ग्यूमेंट आया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आएगा डियर फ्रेंड्स, यहां से कितना आएगा, एक तो आर्ग्यूमेंट आ गया थीटा, एक क्या जाएगा डियर फ्रेंड्स, थीटा आ गया, और ये वाला आर्ग्यूमेंट, ये वाला आर्ग्यूमेंट की बात करें तो क्या है,
थीटा प्लस 360 डिग्री, है ना डियर फ्रेंड्स। फिर आगे देखिएगा अगला, ये मतलब कि यहां से शुरू किया था, ऐसे मूवमेंट करा के पूरा का पूरा चक्र काट के आ गया था, यहां से हमने शुरू किया, तो कितना होगा थीटा प्लस 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री एंड सो ऑन डियर फ्रेंड्स। ठीक है जी, इसी प्रकार कोई नेगेटिव डायरेक्शन में भी ओपी तक पहुंच सकता है डियर फ्रेंड्स। नेगेटिव डायरेक्शन में कैसे पहुंचेगा, मान लीजिए यहां पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से शुरू करना है, ठीक है जी, वो ऐसे करके पहुंच गया, मान लीजिए ऐसे करके पहुंच गया, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो यहां से आप देखिए मतलब क्या हो गया है, यहां पर जो यहां जो एंगल आएगा वो क्या आएगा डियर फ्रेंड्स, माइनस 360 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है जी। ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको कैसे एंगल मिलेंगे, नेगेटिव, कैसे मिलेंगे, नेगेटिव एंगल। और ये क्या है जो जो हमने ब्लैक पेन से की है, ये क्या है, पॉजिटिव एंगल्स है, काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स आपको एक वैल्यू ये मिल गई, फिर कोई मतलब कि इसको भी क्रॉस करके निकलता है, ऐसे ऐसे क्रॉस करके, ठीक है जी, फिर ये एंगल इसके साथ फिर ये बढ़ाता है, तो यहां से कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, देखिएगा माइनस 360 प्लस थीटा। डियर फ्रेंड्स इसी प्रकार हम चलते जाएंगे एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है जी। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यूनिक नहीं हुआ करता है, ये बात हमने पहले भी बताई थी, ठीक है जी, पिछले लेक्चर्स में मैंने इनके बारे में काफी डिस्क्रिप्शन से बताया है, अच्छे से मैंने सोल्व किया है, उन एग्जांपल लेके भी सोल्व किया है। तो आर्ग्यूमेंट आपका जो है यूनिक नहीं हुआ करता है, यहां से आर्ग्यूमेंट के बारे में पता चला है, ठीक है जी, आर्ग्यूमेंट यूनिक नहीं हुआ करता है। और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, क्या क्या होता है, देन द एंगल, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एक एंगल होता है, क्या होता है, एंगल विच ओपी मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है भाई, इस कारण आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड कह दिया करते हैं डियर फ्रेंड्स। आई थिंक डियर फ्रेंड्स आप सभी को आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड की जो है डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी डियर फ्रेंड्स, ठीक है जी। आगे चलते हैं, देखिए डियर फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है यहां पर, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाई ए आर जी जेड या फिर ए एम पी जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है जी। जेड क्या है अपना, जेड यहां पर लिखा हुआ, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस आईटा बी टाइप का, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब यहां से हम लिख सकते हैं आगे, एंड It is defined as थीटा लिख दो या फिर क्या लिख दो, ए आर जी जेड मतलब आर्ग्यूमेंट जेड, या फिर क्या लिख दो, ए एम पी एम्पलीट्यूड जेड, ठीक क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, tan inverse imaginary part of z upon real part of z, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ये आपका जो है एक फॉर्मूला बनके तैयार होगा, और ये हमने एक बड़े विस्तार से इसको किया था डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स यहां से अगर आपके पास z इज इक्वल टू a प्लस आईटा बी, तो मैं इसका रियल पार्ट, अगर मैं रियल पार्ट ऑफ z आपसे पूछूं तो क्या है a, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है डियर फ्रेंड्स, बी। तो डियर फ्रेंड्स यहां से अगर देखा जाए तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगी, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट मतलब बी बाई ए, ये जो है हमारा आर्ग्यूमेंट निकल के आएगा, एम्पलीट्यूड निकल के आएगा डियर फ्रेंड्स। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया था, इस फॉर्मूले में एरर आती है, वो एरर भी समझाई थी डियर फ्रेंड्स, ठीक है, वो भी हम आगे और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो यहां से हमने पढ़ लिया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज डिनोटेड बाय आर्ग्यूमेंट जेड या एएमपी जेड,
ठीक है जी, एंड इट इज डिफाइंड एज, डिफाइंड कैसे, थीटा से डिफाइंड कर सकते हैं, ए आर जी जेड लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड लिख सकते हैं, वो क्या होगा टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन में रियल पार्ट ऑफ जेड। तो डियर फ्रेंड्स हमने निकाल दिया रियल पार्ट की वैल्यू ए है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ बी की, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू क्या है बी। तो डियर फ्रेंड्स ये जो है ना, ये हमारे पास इसका डिफाइंड फॉर्मूला बन के आ गया है। ठीक है जी, ये इस फॉर्मूले में है तो आती है जब कोई पॉइंट मतलब जेड यहां लाया करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है जी, या थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करता है, ठीक है जी, वो भी हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहां पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए डियर फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए, क्या लिखे, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है भाई, सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखे हुए हैं। तो यहां से देखिएगा, द एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर इज जीरो, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा डियर फ्रेंड्स। अब देखिए मैं ये जो इधर से मिटा देता हूं, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स इसमें लिखा हुआ है पहला जो पॉइंट है, पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ डियर फ्रेंड्स कि द एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर इज जीरो। डियर फ्रेंड्स पॉजिटिव रियल नंबर कहां मिलेगा आपको, एक्स एक्सिस पर, ठीक है जी, कहां मिलेगा एक्स एक्सिस पर मिलेगा पॉजिटिव रियल नंबर, कहां मिलेगा एक्स एक्सिस, मतलब ये पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है जी, ये आपके पॉजिटिव रियल नंबर है। तो कह रहा है कि कोई भी पॉइंट पॉजिटिव रियल नंबर या पॉजिटिव रियल एक्सिस के ऊपर लाई करेगा उसका जो आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा डियर फ्रेंड्स। तो देखिए इस पर पॉइंट किस प्रकार लाए करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड सो ऑन, इस प्रकार से जो है पॉइंट्स पॉजिटिव रियल एक्सिस पर लाए करते हैं, ठीक है जी। इसने कहा कि एम्पलीट्यूड ऑफ, एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इज जीरो, पॉजिटिव रियल नंबर रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस पर लाए करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो मान लीजिए मैं कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर उठा लिया, जैसे ये उठा लिया मैंने, ठीक है जी, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखूंगा डियर फ्रेंड्स, कैसे लिखूंगा, फाइव कोमा जीरो, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो यहां देखिएगा, यहां से अगर मैं इसको इस फॉर्म में बनाऊं तो क्या आएगा, फाइव प्लस जीरो आइटा, डियर फ्रेंड्स क्या बन जाएगा, एक जेड पॉइंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक जेड पॉइंट बन जाएगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है जी। तो हमारे पास जेड क्या आ गया है, जेड क्या आ गया है, फाइव प्लस जीरो आइटा, ठीक है जी फ्रेंड। यहां से ये हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है जी, पॉजिटिव रियल नंबर, ये जीरो से बड़ा होगा, ये जीरो से बड़ा होगा, इसलिए हम इसको पॉजिटिव रियल नंबर कह सकते हैं। तो इसका आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड क्या कहा गया है कि जीरो आएगा, ये प्रूफ करना है हमें। तो डियर फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा हुआ है, तो हम पहले तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ जेड, डियर फ्रेंड्स रियल पार्ट ऑफ जेड क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड कितना आएगा डियर फ्रेंड्स, ये जेड है तो रियल पार्ट कितना आ जाएगा, फाइव, और यहां से निकाल लेंगे इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, देखिए ये आपका जीरो है, ठीक है जी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है, जीरो। तो डियर फ्रेंड्स यहां पर देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ जेड निकालो, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड लिखो या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिखो, डियर फ्रेंड्स क्या आएगा, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। डियर फ्रेंड्स देखिए वैल्यू लगाइएगा, टेन इनवर्स क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो, और रियल पार्ट कितना है, फाइव। डियर फ्रेंड्स यहां से कितना आ जाएगा, यहां से बताइए, यहां से कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, बताइएगा यहां से कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स जीरो अपॉन फाइव क्या आएगा डियर फ्रेंड्स, जीरो, जीरो अपॉन फाइव क्या आएगा, जीरो। तो डियर फ्रेंड्स ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर जैसे हम सोल्व करते हैं, टेन इनवर्स, अब देखिए जीरो, जीरो वैल्यू किस पर होती है, टेन जीरो डिग्री पर, ठीक है जी। तो यहां देखिए क्या लगा देंगे, टेन जीरो, ठीक है जी, टेन इनवर्स टेन एक्स क्या आता है, एक्स आता है, तो
तो यहाँ पर एक्स ये क्या है जीरो, यहाँ देखिएगा कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो यहां से डिफरेंस आपका क्या है निकल के क्या है ए एम पी जेड या फिर ए आर जी जेड, डिफरेंस क्या है आपका जीरो। और जेड क्या था यहां पर पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर था, क्या था पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है जी। और मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया भी था कि हरेक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, परंतु हरेक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता, ठीक है जी। ये आपका जेड रियल नंबर भी है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी, तो इसको इसलिए मैंने जेड से डिनोट किया है, ठीक है। तो ये बात हमारी प्रूफ हो जाती है डियर फ्रेंड्स, द एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इज जीरो, ये इसका प्रूफ है। अब डियर फ्रेंड्स लोगों पांच का ही ऐसा आएगा क्या, अरे फ्रेंड्स आप जो है वन लीजिए, टू लीजिए, थ्री लीजिए, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, जितने भी पॉजिटिव रियल एक्सिस है इस रियल एक्सिस पर, पॉजिटिव रियल एक्सिस पर जितने भी पॉइंट लाए करते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट लाए करते हैं, हर एक का आर्ग्यूमेंट जीरो आएगा डियर फ्रेंड्स। आप कोई भी पॉइंट उठाइए, आप थ्री उठाएंगे, थ्री को मैं जीरो लिख देंगे तो क्या आएगा, थ्री प्लस जीरो एट आएगा डियर फ्रेंड्स। आई थिंक आपको जो है समझ में आया होगा, ठीक है जी। यहां पर जीरो अपॉन थ्री आ जाएगा उस टाइम पर, तो आपका जो हर प्रकार से जितने भी पॉइंट यहां पर लाए कर रहे हैं उन सब का आर्गुमेंट क्या आना है, जीरो आना है। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाता है, द एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इज जीरो, ठीक है जी। आई थिंक आपको ये जो है फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, फर्स्ट पॉइंट को मिटा देता हूं डियर फ्रेंड्स, देखिएगा आप करते हैं सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ डियर फ्रेंड्स देखिएगा एक बार, क्या लिखा हुआ सेकंड पॉइंट में, द एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है जी। क्या लिखा है, आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज क्या हो जाएगा आपका, पाई हो जाएगा, ठीक है जी। मतलब क्या प्रूव करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आएगा, पाई आएगा। और जेड क्या है नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा नेगेटिव रियल नंबर्स आपके किस प्रकार के दिखेंगे, देखिएगा -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है फ्रेंड्स, आपके जो है नेगेटिव रियल नंबर्स इस प्रकार के दिखे, एंड सोन, ठीक है जी, इस प्रकार से एंड सोन, ये आपके क्या दिखेंगे, नेगेटिव रियल नंबर्स। तो नेगेटिव रियल नंबर की शक्ल किस प्रकार की होगी, मान लीजिए आप ये पॉइंट ले रहे, डिफरेंस इस पॉइंट को आप कैसे दर्शाएंगे, -3, 0, डिफरेंस ये कैसे हो गया, अगर देखा जाए तो ये पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, -3, 0, और इसको क्या कह दिया जाए, जेड। तो डियर फ्रेंड्स यहां से जो जेड निकल के आया है, जेड बन के आया है, वो क्या है, -3, 0, क्या है, -3, 0, जेड की वैल्यू क्या निकल के आई है, -3, 0, ठीक है जी। ये आपका क्या है, नेगेटिव रियल एक्सिस है, क्या है, नेगेटिव रियल एक्सिस, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब यहां से अगर बात करूं तो ये हमने जैसे रियल पार्ट ऑफ जेड लिखा हुआ था ए और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिखा हुआ था बी, तो इधर से भी हम अगर देखना चाहें तो यहां से हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड, तो डियर फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, -3, ठीक है जी। और क्या जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, डिफरेंस क्या आ जाएगा यहां पर, 0 आ जाएगा, मेरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है जी। तो यहां से देखिएगा, यहां का आप देखा जाए मतलब कि आर्गुमेंट जो है एम्पलीट्यूड पाई क्यों होगा, ठीक है जी। अब यहां पर देखिएगा 0 क्यों हुआ था, यहां 0 क्यों हुआ था, क्योंकि एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में उठा ही नहीं ना, वो यही आपका जीरो रह गया था, ठीक है जी।
वो यहां घेरे। अब एंगल को क्या करना पड़ेगा, एंगल अब यहां से पॉजिटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन से काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चल के जाएगा, डिफरेंस यहां कितना आ जाएगा, तो ये जो एंगल है ना पाई या फिर क्या है 180 डिग्री बन के आएगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है जी। तो यही तो हमने प्रूफ करना है कि एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज क्या होता है, पाई होता है, ठीक है जी। ये फॉर्मूला से हम जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां से जो ये थीटा है, ये जो थीटा है वो थीटा कितना है, पाई आया है और 180 डिग्री आया है, ठीक है जी। तो ये हम प्रूफ करते हैं इसका। तो यहां देखिएगा, नाउ आर्ग्यूमेंट जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या फिर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या होगा, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड डियर फ्रेंड्स। अब देखा जाए तो आप देखिएगा क्या बताया, टेन इनवर्स यहां से कितना आएगा डियर फ्रेंड्स, जीरो अपॉन कितना आ गया -3, जीरो अपॉन -3, ठीक है जी डियर फ्रेंड्स। यहां से देखिए जीरो अपॉन कितना आ गया -3। तो फ्रेंड्स मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस साइड में जो नंबर लाए करेंगे, इस साइड में जो नंबर लाए करेंगे उनमें हमें प्लस पाई करना होता है, ठीक है जी। यहां से अगर देखा जाए, आपको एक बात और मैं आपको यहां से बता दूं, प्लस पाई माइनस पाई वाली बात तो हम आगे करेंगे। अब यहां से देखिएगा, टेन जीरो भी जीरो डिग्री होता है, टेन पाई भी क्या होता है जीरो डिग्री, ठीक है जी। टेन जीरो डिग्री जीरो होता है वो, क्योंकि वो एंगल जो है ना वो एंगल उठा ही नहीं ना, वो रियल एक्सिस से ही पॉजिटिव से उठना था, यहीं से उठना था, तो वो यही की यही खत्म हो गया, इसलिए जीरो डिग्री एंगल जो है वहां पर बना। तो यहां से डियर फ्रेंड्स क्या आएगा देखना, टेन इनवर्स, टेन क्या आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, पाई आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है ITF का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, टेन इनवर्स टेन एक्स क्या हो जाता है आपका एक्स हो जाता है डियर फ्रेंड्स। तो यहां से कितना आ जाएगा, टेन टेन इनवर्स टेन एक्स, तो कितना जी एक्स मतलब एक्स ये क्या है पाई, तो क्या आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, ये क्या आ गया पाई। तो यहां से आपका ये रिजल्ट जो निकल के आया है डियर फ्रेंड्स, वो रिजल्ट क्या निकल के आया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या आ गया डियर फ्रेंड, पाई आ चुका है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो दूसरे पार्ट में जो भी कहा गया था एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इस क्या होगा, पाई होगा। तो हमने एक नेगेटिव रियल नंबर लिया डियर फ्रेंड्स, ठीक है जी, नेगेटिव रियल नंबर यहां लाया करेगा नेगेटिव रियल एक्सिस पर, ठीक है जी। यहां हर एक पॉइंट जैसे -5.0 का निकाल लेंगे तो उसको जेड के बराबर लिखेंगे, कितना आएगा -5 प्लस में 0 आइटा। तो डियर फ्रेंड्स यहां पर जितने भी नंबर लाए करेंगे उन सब के, उन सब का जो एम्पलीट्यूड है नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर वो क्या बनेगा, पाई ही आएगा डियर फ्रेंड्स। आई थिंक आपको जो है ये जो दूसरा वाला इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको समझ में आया होगा डियर फ्रेंड्स। तो हम अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरे पॉइंट के लिए मैं दूसरा पॉइंट डियर फ्रेंड्स मिटा देता हूं ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस हो जाए। आगे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए डियर फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पर जो रिजल्ट है उसको करते हैं। तीसरे नंबर पर जो रिजल्ट है इंपॉर्टेंट रिजल्ट में से, तीसरे नंबर पर क्या रिजल्ट दिया हुआ डियर फ्रेंड्स, अभी बताइए, द एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉजिटिव प्योरली प्योरली इमेजिनरी प्योरली इमेजिनरी नंबर इज पाई बाई टू। इसने कहा है कि जो प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा उसका आर्ग्यूमेंट पाई बाई टू आएगा या फिर क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। पाई बाई टू लिख दो या फिर क्या लिख दो 90 डिग्री, ठीक है जी। तो यहां हमने प्रूफ क्या करना है डियर फ्रेंड्स, हमें प्रूफ करना है आर्ग्यूमेंट जेड कितना आना चाहिए, या तो पाई बाई टू आना चाहिए, या कितना आना चाहिए, या कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए डियर फ्रेंड्स। अब देखिए क्या कहा इसने, पॉजिटिव पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी, पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी जो नंबर्स हैं डियर फ्रेंड्स कहां लाए करेंगे, ये पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर। तो ये डियर फ्रेंड देखिएगा ये पॉइंट है,
इसको वन भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं आयोटा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं टू आयोटा। अब वन टू थ्री लिख लीजिए तो इमेजिंग इमेजिंग कर लेंगे हम, ठीक है जी, आयोटा इनके साथ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड सो ऑन एंड सो ऑन। डियर फ्रेंड्स ये जो है आपके पॉजिटिव पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर होंगे, पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या था, प्योरली इमेजिनरी मतलब अगर जेड आपका आयोटा बी टाइप का है, जेड की शक्ल कैसी है आयोटा बी टाइप की, दिस इंप्लाई जेड इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। अगर जेड की शक्ल कैसी है आयोटा बी टाइप की, जैसे कि अगर जेड आपका आ गया थ्री आयोटा तो यहां से जेड क्या हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी, फाइव आयोटा आ गया, ओनली फाइव आयोटा आ गया, ठीक है जी। जेड को हम प्योरली इमेजिनरी कब कहेंगे, अगर जेड ए प्लस आयोटा बी है और ए क्या हो जीरो, ए क्या हो जीरो और बी आपका कोई भी नेगेटिव, कोई भी यहां से आप कह सकते हैं जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज प्योरली प्योरली इमेजिनरी, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। डियर फ्रेंड्स मैंने आपको ओनली प्योरली इमेजिनरी का डेफिनेशन बताया है ना कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम उसको उस हिसाब से हम बना सकते हैं। तो यहां से अगर डियर फ्रेंड्स मैं आपको अगर यहां से पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ठीक है भाई, इज सेड टू बी पॉजिटिव प्योरली पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू जीरो एंड क्या जाए बी इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, बी इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है भाई। तो पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर कैसा होगा, ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ए प्लस आयोटा बी सेड टू बी पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर इफ एंड ओनली ए जीरो हो और बी क्या हो, बी क्या हो पॉजिटिव रियल नंबर हो, है ना, क्या हो पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसको इस प्रकार भी कह सकते थे बी जीरो से बड़ा हो, ठीक है जी, और यहां से हम कह सकते थे बी बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, बी कोई रियल नंबर होगा और बी क्या होगा जीरो से बड़ा भी होगा। इस प्रकार हम पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स तो ये तो आप पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर के बारे में था, तो अब यहां से देखिएगा हम इस थर्ड रिजल्ट को प्रूव करते हैं, ठीक है जी। आपको पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर समझ में आया होगा, अब हम जो मेन अपना रिजल्ट था थर्ड रिजल्ट उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स तो बताते हैं कि पाई बाई टू या नब्बे डिग्री कैसे बनेगा। तो डियर फ्रेंड्स हम मान लीजिए इसी नंबर को ले लेते हैं, ये क्या है डियर फ्रेंड्स, इस नंबर को मैं अगर नोट करूं तो क्या है जीरो सेवन,
डियर फ्रेंड्स, इसको अगर मैं इस हिसाब से डिनोट करूं तो क्या आएगा बताना, 0 प्लस आइटा 7 या फिर 0 प्लस 7 आइटा और इक्वल टू क्या कहता हूं, जेड कह सकता हूं। ठीक है जी, इसने क्या कहा है, थर्ड पार्ट ने ही कहा है द एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर इज पाई बाई टू होगा या फिर 90 डिग्री होगा। डियर फ्रेंड्स, तो हमारे पास जेड निकल के आ गया है ना। डियर फ्रेंड्स देखिएगा, जेड क्या आया है अपने पास, जेड आ गया है 0 प्लस 7 आइटा। तो अगर मैं यहां से इसका आर्ग्यूमेंट निकालना चाहूं तो डियर फ्रेंड्स देखिएगा यहां से क्या आ जाएगा आर्ग्यूमेंट। नाउ अब यहां से इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट और लिख लो, दिस इंप्लाइज रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 कोमा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो गया 7 हो गया। डियर फ्रेंड्स नाउ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कह दे या फिर क्या कह दे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कह दे डियर फ्रेंड्स, क्या जाएगा आपका, देखिए टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। डियर फ्रेंड्स अब देखिए, अब लगाइएगा रिजल्ट्स, इनकी वैल्यू लगाइएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है 7 और ये कितना है आपका 0। क्या डियर फ्रेंड्स 0। तो यहां देखिएगा क्या जाए डियर फ्रेंड्स, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डियर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 7 अपॉन 0, नॉट डिफाइंड नंबर आएगा, नॉट डिफाइंड नंबर इसको हम इंफिनिटी कह दिया करते हैं। टेन इनवर्स क्या आ गया, यहां से कितना आ गया आपका एक नॉट डिफाइंड नंबर आ गया, कितना आ गया जी नॉट डिफाइंड नंबर आ गया इंफिनिटी जिसको हम बोल दिया करते हैं। ठीक है जी, 1 अपॉन समथिंग अपॉन 0 समथिंग अपॉन 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड समथिंग अपॉन 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड नंबर होता है, इसको हम इक्विवेलेंट टू इंफिनिटी कह दिया करते हैं। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स यहां से हम ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है जी, तो यहां देखना इंफिनिटी टेन पाई बाई टू या फिर टेन 90 डिग्री पर जाता है। ठीक है जी, ये फ्रेंड्स आपने देखा होगा टेंथ क्लास में टेन 90 डिग्री क्या आता था नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड लिखा होता था। आप देख सकते हैं टेंथ क्लास में जो आपके 8.3 एक्सरसाइज से पहले टेबल बनी हुई है तो उसमें आप देख सकते हैं टेन 90 डिग्री आप देखेंगे तो क्या लिखा मिलेगा नॉट डिफाइंड, कुछ बुक्स इंफिनिटी लिखा करती हैं। ठीक है जी, तो ये इक्वलेंट टू इंफिनिटी बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं नॉट डिफाइंड, क्या कह सकते हैं नॉट डिफाइंड कह सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहां से अगर मैं रिजल्ट देखूं तो क्या आ गया टेन इनवर्स और ये क्या आ जाएगा डियर फ्रेंड्स टेन पाई बाई टू, टेन पाई बाई टू। तो डियर फ्रेंड्स यहां से देखिएगा रिजल्ट क्या निकल के आया, ये वाला रिजल्ट लगाते हैं टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, टेन इनवर्स टेन पाई बाई टू कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स पाई बाई टू। तो यहां से क्या मिल गया है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड मिल गया है डियर फ्रेंड्स या फिर क्या मिल गया है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है जी, ये रेडियन में एंगल है और ये क्या होता है आपका डिग्री में, अगर इसको चेंज करूं तो क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है जी, आपका आपको एक वो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एक्स डिग्री इज इक्वल टू पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन। ठीक है जी, अब मैं यहां पर मान लीजिए 90 डिग्री डालता हूं, 90 डिग्री डालता हूं तो क्या आएगा डियर फ्रेंड्स पाई इंटू 90 अपॉन 180। तो डियर फ्रेंड्स ऐसे काटोगे 2 पर कट जाएगा तो ये कितना आएगा पाई बाई टू रेडियन। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया पाई बाई टू रेडियन को 90 डिग्री क्यों लिखा है, मैंने इस फॉर्मूले के माध्यम से आपको जो है समझाने की कोशिश करी डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स
आप लोगों को आई थिंक ये तीसरा रिजल्ट आपको समझ में आ गया होगा कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर इज। ठीक है जी, अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथे पॉइंट पे जाने से पहले मैं सोचता हूं कि आपको तीन ये पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। डियर फ्रेंड्स, तो चौथा पॉइंट करने के लिए डियर फ्रेंड्स मैं तीसरे पॉइंट का जो एक्सप्लेनेशन मिटा देता हूं ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस हो जाए। देखिए डियर फ्रेंड्स, हम फोर्थ पार्ट को अब पढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट को पढ़ने से पहले हमने जो थर्ड में अभी किया है उसमें क्या किया है, थर्ड पार्ट में किया है आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ ए नेगेटिव ए पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट ऑफ ए पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर इज पाई बाई टू या फिर 90 डिग्री। वो तो दिख रहा होगा ना डियर फ्रेंड्स, अभी तो थर्ड पार्ट में हमने किया है। जैसे कि यही है सेवन सेवन तक, इस पॉइंट तक आने के लिए ये जो पॉजिटिव में यहां से उठ के ये जो मूव करना पड़ेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो डियर फ्रेंड्स ये कितना करना पड़ेगा, कितनी डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक ये क्या है, राइट एंगल है 90 डिग्री। इसी को डियर फ्रेंड्स हम पाई बाई टू कहा करते हैं। तो आपको तो ग्राफ से भी आई थिंक ये नजर आ रहा होगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है जी, तो ये आपका इस पॉजिटिव रियल एक्सिस से हम इसकी तरफ जाते हैं, इस पॉइंट सेवन का अगर एम्पलीट्यूड हम निकालना चाहते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री या फिर पाई बाई टू मिलेगा। डियर फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, थर्ड पार्ट जो है आपको ग्राफिकली भी मैंने बता दिया है। ठीक है जी, अब हम इसका जो है चौथा पार्ट पढ़ते हैं। चौथे पार्ट में देखिएगा डियर फ्रेंड्स, फोर्थ पार्ट जो है देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ये जो फोर्थ पार्ट है इसके अंदर लिखा है द एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव प्योरली इमेजिनरी, नेगेटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर कितना होगा, माइनस पाई बाई टू। डियर फ्रेंड्स यहां पे क्या कह सकता हूं, और माइनस 90 डिग्री, क्योंकि मैंने फॉर्मूले से बताया है एक्स डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, पाई एक्स अपॉन में 180 डिग्री रेडियंस होते हैं, तो 90 डिग्री की वैल्यू निकाल के बता रहा कि मैंने पाई बाई टू होगी। देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा हौचपौच हो गया, थोड़ा साफ करके हमें जो है इसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा मतलब खुला खुला स्पेस है तो अब अच्छे से समझ में आएगा। तो नेगेटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन हम पहले पढ़ेंगे क्योंकि इसमें इसका रिजल्ट यूज हुआ है। ये डेफिनेशन देखिएगा क्या है, नेगेटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर, ए नंबर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी सेड टू बी नेगेटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर इफ एंड ओनली ए जीरो होगा और बी क्या होगा, नेगेटिव, और बी क्या होगा आपका रियल नंबर को, मतलब नेगेटिव रियल नंबर हुआ करेगा। डियर फ्रेंड्स आई थिंक आपको जो नेगेटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो चौथा जो पार्ट है डियर फ्रेंड्स उसमें क्या कहा गया है, द एम्पलीट्यूड ऑफ नेगेटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर इज कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू। डियर फ्रेंड्स ये हम आपको करके बताते हैं। तो नेगेटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर नेगेटिव रियल एक्सिस नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर मिलेंगे। देखिएगा ये वाई एक्सिस है आपका नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन एंड सो ऑन, इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स आपको मिलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स मान लीजिए 0, -2, तो डियर फ्रेंड्स ये कैसे लिखा जाएगा, 0 प्लस में -2 आइटा या 0 -2 आइटा, इसका लिख दिया जाएगा जेड। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आपको अब ये रिजल्ट समझ में आएगा इजीली। तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया जी। ठीक है जी, तो यहां देखिएगा इसको मिटा देते हैं, तो अपने पास देखिएगा जेड क्या आ गया डियर फ्रेंड्स, जेड क्या आ गया, 0 -2 आइटा। डियर फ्रेंड्स यहां देखिएगा रियल पार्ट ऑफ जेड कितना हो गया, रियल पार्ट ऑफ जेड 0 हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना हो गया डियर फ्रेंड्स, -2। नाउ आर्ग्यूमेंट जेड
या फिर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जेड अगर हम निकालते हैं, एम्पलीट्यूड जेड निकालते हैं तो डियर फ्रेंड्स क्या आएगा, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड, डियर फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स माइनस टू अपॉन, माइनस टू अपॉन जीरो, ठीक है जी, माइनस समथिंग अपॉन में जीरो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, डियर फ्रेंड्स ये कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो डियर फ्रेंड्स एक रिजल्ट हुआ करता था टेन इनवर्स माइनस ऑफ थीटा, ठीक है जी, माइनस ऑफ थीटा कुछ इस प्रकार से मान लीजिए, माइनस ऑफ पी, माइनस ऑफ पी इज इक्वल टू कितना, माइनस टेन इनवर्स पी हुआ करता था, पी कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है जी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स यहां से अगर इस रिजल्ट को मैं लगाऊं तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी। और अभी हमने किया था टेन इनवर्स, अभी हमने जैसे एक रिजल्ट किया था, इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी टेन पाई बाई टू भी लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, टेन 90 डिग्री, क्योंकि टेन 90 डिग्री टेंथ क्लास में हमने पढ़ा था कि नॉट डिफाइंड हुआ करता है, क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हुआ करता है, तो हमने वो पढ़ा था। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये रिजल्ट अभी किए थे, तो अब देखिएगा आगे क्या हो जाएगा, इसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा, माइनस रिजल्ट, तो माइनस तो आगे रहेगा ही रहेगा, ये वाला माइनस, माइनस टेन इनवर्स टेन पाई बाई टू, डियर फ्रेंड्स तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का पाई बाई टू आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, या फिर माइनस का 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो इसने लिखा है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ नेगेटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर इज माइनस पाई बाई टू, या फिर कितना आ जाएगा, माइनस 90 डिग्री आ जाएगा। डियर फ्रेंड्स आपको ये रिजल्ट समझ में आया होगा, और फिर यहां से भी आप अगर देखना चाहें, ग्राफ में भी अगर आप देखना चाहें, डियर फ्रेंड्स देखिएगा यहां से नेगेटिव में चलना पड़ा है, इसे कितना राइट एंगल चलना पड़ा है, नेगेटिव, ये नेगेटिव एंगल है, और कितना है ये थीटा, कितना है, माइनस 90 डिग्री, या फिर कितना है, माइनस पाई बाई टू। तो डियर फ्रेंड्स आपको ग्राफ से भी मैंने बता दिया नेगेटिव में ये एंगल चला है, ठीक है जी। तो अब देखिए ये आपको चौथा पार्ट, फ्रेंड्स आपको ये चौथा पार्ट क्लियर हुआ होगा, तो आज का लेक्चर समाप्त करते हैं डियर फ्रेंड्स। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो डियर फ्रेंड्स, तो आप प्लीज इस लेक्चर को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। डियर फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें डियर फ्रेंड्स, क्योंकि सब्सक्राइब लाइक कमेंट करने के कुछ पैसे नहीं लगते हैं डियर फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर इतना ही, बाय फ्रेंड्स।